हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का नया टॉपिक दैट इज़ अल्जैप्रिक आइडेंटिटीज़ तो अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियोस नहीं देखी हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उस पूरे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ पर जाके पूरी प्ले देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे अल्जैप्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में प्लस एग्जाम्पल्स सिक्सटीन टू ट्वेंटी तो बात करते हैं सबसे पहली आइडेंटिटी की सबसे पहली आइडेंटिटी कहती है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर राइट अब आप कहोगे ये कैसे आया ये सिंपल सी ट्रिक होती है सिंपल सी बात है जब आप x प्लस वाई को और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं जब तक आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता और आपको बोला गया है कि टीचर ने इसको और इससे मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे पहले आप एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है फिर क्या बचा वाई फिर वाई को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे राइट ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई एक्स क्या हो गया टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बस यही आइडेंटिटी है इतना सॉल्व कौन करे इसलिए मैथमेटिशियंस ने बोला भाई सीधी सीधी ये आइडेंटिटी लर्न करूँ अगर नहीं लर्न होती है कोई बात नहीं एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसा होगा तो अब उसको मल्टीप्लाई कर लेना इफ आइडेंटिटी याद ना रहे सिर्फ उसी केस में अदरवाइज ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अभी तो आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो जैसे ही आप प्लस वन में टेंथ में प्लस टू में जाते हैं तो क्या होता है वहां पर इतने बड़े बड़े सम्स होते हैं वहां पर आपको इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लेशन करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपको ये आइडेंटिटीज वहां पर काम में आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होती है राइट right? नेक्स्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैसे आई है बिल्कुल ऐसी आई है एक्स माइनस वाई को x माइनस वाई से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया पहले x फिर x माइनस वाई फिर माइनस वाई फिर से x माइनस वाई राइट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे फिर से यही यह आइडेंटिटी आ जाएगी तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया ये कब होगा कि एक x प्लस वाई हो और एक x माइनस वाई हो तब क्या होगा तब ये टू टू टर्म्स हट जाएंगी क्या बच जाएगा एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वायर अब ये भी कैसे आया बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आया देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पहले हमने एक्स रखा फिर एक्स माइनस वाई रखा फिर प्लस वाई रखा फिर एक्स माइनस वाई रखा अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर अब देखिए दोनों टर्म सेम है एक प्लस एक माइनस कैंसिल क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये कौन इतना सॉल्व करे इसलिए हमें सीधा सीधा लर्न करना होता है अब एक फोर्थ आइडेंटिटी जो सबसे इजी है x प्लस ए एक्स प्लस बी ये होगा एक्स स्क्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अब आप कहोगे मैम आप तो बोल रहे हो इजी है है ना हमें तो इतना डिफिकल्ट लग रहा है भाई इसको चाहे आप ना भी लर्न करो तो भी चलेगा क्यों इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे ना तो भी चलेगा कैसे देखिए जब आप x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x x प्लस बी प्लस एक्स प्लस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी राइट तो क्या आ रहा है इन दोनों में से x कॉमन प्लस ए बी राइट तो एक काम करिए पहली तीन इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको आप लर्न कर लीजिए ये लर्न होती है गुड इनफ नहीं होती है तो भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्यों क्योंकि जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो इतना तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा राइट तो आप ये वन टू थ्री जो है ये अच्छे से लर्न कर लीजिए हो जाए वेल एंड गुड अभी के लिए अगर नहीं होती हैं पेपर में अगर याद नहीं आए तो आपको मैंने ऑलरेडी मैथड बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करें राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल सिक्सटीन तो एग्जाम्पल सिक्सटीन क्या कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पे बोला अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ अगर ये चीज़ ना लिखी होती ना और बोला जाता सिर्फ फ़ाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ठीक है इनका प्रोडक्ट निकालना तो आप क्या करते वही जैसे मैंने बताया x लिखते फिर x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते फिर थ्री को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व कर देते राइट लेकिन उन्होंने बोला है आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है राइट right? तो अगर आपने पेपर में ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज यूज नहीं करी सीधा-सीधा मल्टीप्लाई सीधा कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा तो आपने क्या करना है आपने जहां पर मेंशन हो कि आइडेंटिटी यूज करनी है तो आपने वहां पर आइडेंटिटी ही यूज करनी है जैसे आपको यहां पर दिख रहा है x plus 3 x plus 3 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं x 3 का होल स्क्वायर ये क्या बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया ये आइडेंटिटी लग रही है हमारी है ना तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही अब हम इसको ओपन कर देंगे x प्लस थ्री का होल स्क्वायर को हम ऐसे ओपन कर देंगे कैसे फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस फिर टू इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पर क्या है थ्री प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस, एक प्लस नाइन ये आपका आंसर आ गया सिंपल राइट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है अब एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस फाइव हमारे पास आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी ये आइडेंटिटीज थी पहली तो लग गई है ना दोनों सेम थे यहाँ पर सेकंड नहीं लग सकती है आप देख सकते हो गए राइट right? यहाँ पर थर्ड भी नहीं लग सकती क्यों नहीं लग सकती यहाँ पर वाई वाई है यानी कि इस चीज के लिए दोनों में क्या होना चाहिए थी सेम डिजिट होनी चाहिए थी यानी कि अगर यहाँ पर माइनस थ्री है तो यहाँ पर प्लस थ्री होता तो हम थर्ड आइडेंटिटी लगाते राइट right? अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फाइव है है ना तो यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यस यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी राइट right? कैसे लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ So, ये आइडेंटिटी मैंने यहां लिख ली है यहां मैं लिख देती हूं x माइनस थ्री और ये हो गया x प्लस फाइव ठीक है अब यहां पर इन दोनों को कंपेयर करें x x है a की जगह पर क्या है माइनस थ्री और b की जगह पर क्या है प्लस फाइव राइट तो हम क्या करेंगे यहां पर x की जगह पर एक्स पर ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा माइनस थ्री बी के प्लेस पर क्या आ रहा है प्लस फाइव एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस ए के प्लेस पे अगेन माइनस थ्री और बी के प्लेस पर अगेन फाइव तो ये क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वार फाइव में से थ्री गए क्या आ गया प्लस टू एक्स ये क्या हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव क्या हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन क्योंकि माइनस का थ्री है तो ये आपका आ गया आंसर तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई x माइनस वाई और x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई क्योंकि इसके लिए y y दोनों सेम होने चाहिए थे है ना थ्री तो थ्री होना चाहिए था अगर यहाँ फाइव है तो यहाँ फाइव होना चाहिए था डिफरेंट हो गए तो हमने ये आइडेंटिटी लगाई ए और बी ए और बी बता रहा है ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट डिजिट है राइट चलिए करते एग्जाम्पल सेवेंटीन एग्जाम्पल सेवेंटीन्थ या कहता है इवेलुएट वन हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाई वन हंड्रेड सिक्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बच्चे एन टी एस सी देते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है कि अगर आप ये थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर को प्रॉपर मल्टीप्लाई करने लगोगे और उसका आंसर फाइंड करने लगोगे तो आपके पास कम से कम फाइव मिनट्स तो जाएंगे ही जाएंगे राइट right? फाइव से मिनट्स तो जाते ही जाते ही हैं, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है और एज इट इज इसको ऐसे ही सॉल्व करना है तो क्या हमारे पास मैथड है हमारे पास मैथड होता है कि वन हंड्रेड फाइव को मैं कैसे लिख सकती हूँ देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ हंड्रेड प्लस फाइव मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस सिक्स अब कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि मैम हमने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर हम हंड्रेड क्यों लेते हैं हमेशा हंड्रेड लेते हैं या हमेशा थाउजेंड वाली टर्म्स लेते हैं है ना क्यों क्योंकि इसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है क्यों इजी होता है वो भी आपको पता चल जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए क्या लग रही है आपको आइडेंटिटी इसी पेज पर वो आइडेंटिटी है दिख रही है यस ये आइडेंटिटी दिख रही है आपको एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा आपके पास ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बस इसको हमने ओपन कर देना एक्स स्क्वायर यानी कि ये है आपका एक्स क्या है हंड्रेड और ए क्या है फाइव एक्स अगेन हंड्रेड और बी क्या है आपका सिक्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि फाइव प्लस सिक्स एक्स मतलब कि अगेन हंड्रेड प्लस ए इंटू बी यानी कि फाइव मल्टीप्लाई सिक्स तो अब देखिए हंड्रेड का स्क्वायर करना कितना इजी है कैसे हंड्रेड है एक दो जीरो और लगा दो बस उतनी डबल कर दो राइट फिर फाइव प्लस सिक्स कितना हो गया इलेवन इलेवन मल्टीप्लाई हंड्रेड इलेवन हंड्रेड प्लस फाइव मल्टीप्लाई सिक्स ये क्या हो गया थर्टी इन सबको हम प्लस करते हैं क्या हो जाएगा थ्री जीरो वन वन एंड वन ये आपका आंसर आ गया ठीक है मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मेरे ख्याल से मुझे टू टू थ्री मिनट्स तो लगे ही होंगे राइट लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप वन मिनट के अंदर अंदर कर लोगे तो आप खुद देखिए आपने थ्री डिजिट की जो मल्टीप्लाई थी अगर एक्चुअल करने बैठे तो पांच मिनट कहीं नहीं जाते और अगर हमने ये मैथड किया तो वन मिनट में हमारा सॉल्व हो गया तो ऐसे ही एग्जाम्स में आपका टाइम सेव होता है तो अब करते हैं एग्जाम्पल एटीन तो अब एग्जाम्पल एटीन क्या कहता है हमें फैक्ट्राइज करना है तो पहला आपके पास ये क्वेश्चन है आपने इसको फैक्ट्राइज करना है अभी तक हम कैसे फैक्ट्राइज करते आ रहे थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या फैक्टर थ्योरम से करते आ रहे थे है ना लेकिन वहां पर कौन सी इक्वेशन होती थी यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी राइट क्वाड्रेटिक पोलिन होती थी आपके पास जो किस टर्म में होती है जैसे कि किसी एग्जाम्पल में तो ये एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस आप कह सकते हो फाइव सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है ना इस तरीके से आपके पास होती थी लेकिन यहाँ पर क्या आपको ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए ए की पावर टू है लेकिन यहाँ बी की भी पावर टू है बट ऐसा यहाँ पर तो नहीं था यहाँ पर सिर्फ एक बार ही वेरिएबल की पावर टू होती थी तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि जब इक्वेशन में दो बार x की पावर टू हो जाए तो डेफिनेटली वहां पर क्या लगेगी आइडेंटिटी लगेगी राइट right? अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी तो वो देखते हैं हमने अभी तक आइडेंटिटी कितनी पढ़ी है फोर आइडेंटिटीज पढ़ी हैं ये आइडेंटिटीज पढ़ी हैं राइट तो इसके अंदर देखिए सब में प्लस है तो प्लस वाली या तो फर्स्ट है या लास्ट है है ना तो जो लास्ट वाली है वो आपके पास इस तरीके से है एक्स स्क्वायर एक्स ए बी है ना तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है वो इस फॉर्म में दिख रही है आपको यहाँ पर तो बी का भी स्क्वायर है तो यहाँ दोबारा किसी का स्क्वायर आया नहीं आया तो यानी कि ये आइडेंटिटी तो डेफिनेटली नहीं है तो यहाँ पर दो बार स्क्वायर है तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी के अंदर दो बार स्क्वायर है यस yes, हमें आइडिया लग गया कि ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर पहली बात हमने क्या देखी प्लस देखा तो प्लस दो में था फिर हमने देखा दो बार स्क्वायर है दो बार स्क्वायर इसमें तो नहीं आ रहा था इसमें आ रहा था दो बार स्क्वायर तो अब हम लगाएंगे कौन सी आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी लगती है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब हम कैसे करेंगे इसको तो ध्यान से देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है ये एक्स स्क्वायर है तो यानी कि, कि किसका ये किसका स्क्वायर लग रहा है आपको फोर्टी नाइन ए स्क्वायर ये किसका स्क्वायर लग रहा है आपको फोर्टी नाइन किसका होता है सेवन ये ए हो गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं फिर इसको देखो इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा कोई बात नहीं ना पता लगाओ इसको देख लो ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं फाइव बी स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं है ना ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर हो जाएगा तो अब देखिए इन दोनों को यानी कि ये मेरे पास एक्स आ गया ये मेरे पास वाई आ गया तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ सेवन ए प्लस फाइव बी का होल स्क्वायर ये क्या होगा इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ध्यान से देखना यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नोटिस करना है? इसको मैं आपको रफ में करके दिखाती हूं एक बार ए स्क्वायर यानी कि सेवन ए का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है टू एक्स वाई टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी कि फाइव बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा फोर्टी नाइन स्क्वायर ये हो जाएगा कितना फाइव टू ज टेन टेन मल्टीप्लस सेवन सेवेंटी ए बी प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर देखिए वही आ गई सेम तो क्या करना चाहिए हमें सिर्फ एक्स और वाई पे फोकस करिए उसके बाद ये बीच वाली टर्म अपने आप आ जाती है तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ दो बार लिख दिया भाई आपका आंसर आ गया ये आपने फैक्ट्राइज कर लिया है बहुत सिंपल सी बात थी सेम इस पे भी हम ऐसे ही फोकस करेंगे अब इस पर देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी देखिए इसमें से कौन सी लगेगी पहली वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसमें तो तीन टर्म्स हैं इसमें दो टर्म है, है ना तो सेकंड में भी तीन टर्म है यहाँ दो टर्म है ओके okay, कोई बात नहीं अरे यहाँ पर दो टर्म है दिख रही है आपको इस तरीके से ये दो टर्म दिख रही है आपको है ना तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ऐसा ही दिख रहा है आपको कोई बात नहीं इस पर फोकस करते हैं आप क्या आइडेंटिटी थी आपकी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना तो इसको देखिए फर्स्ट वाले को ट्वेंटी फाइव बाई फोर का एक्स स्क्वायर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ट्वेंटी फाइव क्या होता है फाइव का स्क्वायर फोर किसका स्क्वायर होता है टू का एक्स का होल स्क्वायर मिल गया मेरे को ढूंढिए वाई तो लिख सकते, सकते हैं नाइन को क्या लिख सकते हैं नाइन किसका स्क्वायर है थ्री तो ये क्या हो गया इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ तो मुझे ये वाला वाई मिल गया राइट तो मैं अब इसको कैसे ओपन करूंगी ये हो जाएगा मेरे पास ट्वेंटी फाइव बाई फोर का एक्स स्क्र माइनस वाई बाई नाइन का ये कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एक्स आ गया मेरे पास फाइव एक्स बाई टू वाई आ गया वाई बाई थ्री तो इस तरीके से एक बार प्लस लिख देंगे दोनों डिजिट्स के अंदर और एक बार माइनस लिख देंगे ये आपके फैक्टर्स आ गए अब ये मत बोलना मेरे को कि मैम हमें कैसे पता चला सिर्फ इतने ही फैक्टर्स पॉसिबल है कितनी बार आपको बताया जितनी मैक्सिमम डिग्री उतने ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं यहाँ पर भी टू ही थी तो टू है तो दो फैक्टर पॉसिबल है यहाँ पर भी टू तो है, तो है।, है तो यहाँ पर भी टू फैक्टर्स पॉसिबल है राइट चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तो नाइनटीन्थ एग्जाम्पल करने से पहले हम फिफ्थ आइडेंटिटी पढ़ते हैं अभी तक हमने फोर आइडेंटिटी पढ़ ली है तो एक नई आइडेंटिटी पढ़ते हैं फिफ्थ वो क्या बोलती है वो कहती है एक्स प्लस वाई इन दोनों की तो बात कर ली बट एक z भी अगर आ जाए आपके पास और उसका होल स्क्र बोल दिया जाए तो अब क्या आइडेंटिटी बनेगी इसकी इसकी आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक बार तीनों का स्क्वायर आ गया फिर प्लस टू पहले दो डिजिट्स एक्स वाई फिर प्लस टू फिर लास्ट के दो डिजिट्स वाई जेड फिर प्लस टू फिर फर्स्ट और लास्ट डिजिट एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड राइट अब ये कैसे आई है अगेन ये बिल्कुल वैसे ही आई है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को दोबारा से आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगी आपके पास राइट right? तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल नाइन है दैट इज राइट थ्री ए प्लस फोर बी प्लस फाइव सी का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इसको एक्सपैंड करके लिखना है आपने इस तरीके से तो आपको पता चल ही रहा है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर सीधी सीधी सी बात चल रही है ना तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स क्या है आपके पास थ्री ए तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना शुरू करिए थ्री ए का स्क्वायर प्लस वाई क्या है फोर बी तो वाई का स्क्वायर फोर बी का स्क्वायर करिए फिर z क्या है फाइव सी फाइव सी का स्क्वायर प्लस टू एक्स क्या था थ्री ए वाई क्या है फोर बी प्लस टू फिर y क्या है फोर बी जेड क्या है फाइव सी प्लस टू अगेन एक्स क्या है थ्री ए एंड जेड क्या है फाइव सी कुछ भी नहीं है बहुत इजी है बस ध्यान क्या रखना है आपने वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट पुट करनी है गलती वैल्यू में पुट करने होगी तो वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका रोंग हो जाएगा तो आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं थ्री का स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बी स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर प्लस थ्री टू सा सिक्स सिक्स फोर ट्वेंटी फोर साथ में ए बी फिर प्लस तो 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 ये आ गया आपका आंसर. तो हमने इसको इस expanded form में लिख दिया, right? तो अब इसके जैसा ही एग्जाम्पल करते हैं हम अब हमने इसको एक्सपेंड करना तो अब जैसे एक्स प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था x माइनस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूला था तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये एक ही फॉर्मूला इसके अंदर x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना ठीक है तो बहुत इजी रह जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या इजी रहता है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम साथ में माइनस का साइन भी ले लेते हैं कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यही आता है ना यही दिख रहा है आपको तीन डिजिट्स के ऊपर स्क्वायर है तो आपने यही आइडेंटिटी लगानी है यहां से आपको पता क्या चल रहा है यहां से आपको पता चल रहा है कि एक्स कितना है फोर ए है वाई कितना है नहीं टू बी नहीं लेंगे माइनस टू बी लेंगे माइनस टू बी है ठीक है और जेड कितना आएगा यस, थ्री सी बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे सब में प्लस था तो एक्स हमने थ्री ए लिया था वाई हमने फोर भी लिया था और जेड हमने फाइव सी लिया था यहाँ पर माइनस आ गया तो हमने साथ में माइनस भी ले लिया बाकी सेम चीज है बस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको एक्स स्क्वायर यानी कि फोर ए का स्क्वायर प्लस प्लस वाई का स्क्वायर वाई कितना है माइनस टू बी माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड कितना है माइनस थ्री सी तो माइनस थ्री सी का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स एंड सेड राइट बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर का स्क्वायर सिक्सटीन साथ में ए स्क्वायर अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर फोर बी अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर स्क्वायर अब यहां देखिए फोर एट एंड एट टू सिक्सटीन लेकिन यहाँ माइनस भी है तो यहां आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन ए बी नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू टूजा फोर फोर थ्री प्लस माइनस माइनस फोर टू झा एट एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर ए सी बस ये आपका आंसर आ गया तो क्या प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो हमने ए के फॉर्मुला लगाना है बस हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर माइनस में तो माइनस में ले लेनी है बस चलिए करते हैं एग्जांपल ट्वेंटी फर्स्ट तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी फर्स्ट क्या कहता है फैक्ट्राइज फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर एक्स जेड तो अभी अभी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन yes, यह सी आइडेंटिटी लगेगी यस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वहाँ पर ये ऐसी बड़ी टर्म्स थी तो एक बार मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर चलिए रिवाइज करिए क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस टू आगे वाली दो टर्म्स एक्स वाई फिर प्लस टू लास्ट वाली टू टर्म्स फिर प्लस टू फर्स्ट और लास्ट टर्म राइट ये आपके पास आइडेंटिटी थी हमने अब फैक्टराइज करना है इसको यानी कि अब मैं क्या करूँगी मेरे को ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में लेकर आना है।, है ना इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूँगी ठीक है अगर मैं फर्स्ट और फर्स्ट कंपेयर करूं, तो क्या आएगा यहां से फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है है ना बट मुझे इस टर्म में लेकर आना है तो यहाँ x चाहिए मेरे को यानी कि ये तो स्क्वायर हो गया है ना जब मुझे x चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी इसके ऊपर क्या लगा दूंगी रूट लगा दूंगी तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर का रूट वही ना स्क्वायर से एक्स हम कैसे लगाते हैं रूट लगा के निकालते हैं तो अब जब इसका रूट निकालेंगे तो फोर क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स तो यहाँ से आपके पास ये वाली एक्स की वैल्यू आ गई सेकेंड देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बट मुझे चाहिए वाई की वैल्यू तो दोनों पे रूट लग जाएगा तो वाई इक्वल्स टू वाई आ जाएगा इसकी भी वैल्यू आ गई फिर जेड जेड की बात करते हैं यहाँ पर भी आ रहा है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अब मेरे को चाहिए z की वैल्यू तो अगेन दोनों पे रूट लग जाएगा z इक्वल्स टू z आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ चुका है x भी आ गया y भी आ गया और z यानी कि तीनों टर्म्स आ चुकी हैं ठीक है अब इस आइडेंटिटी में ध्यान से देखिए सब में प्लस है? है ना लेकिन यहां पर दो जगह पर माइनस भी लिखा हुआ है यानी कि जब मैं इसको लिखूंगी कहीं ना कहीं माइनस जरूर आएगा अब कहाँ माइनस आएगा वो देखने वाली बात है तो पहली तीन टर्म्स तो हमने कंपेयर कर ली ठीक है नेक्स्ट अगर मैं कंपेयर करती हूँ ये वाली टर्म इसके साथ कंपेयर करती हूँ है ना यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है इसका मतलब क्या है या तो एक्स माइनस है या फिर वाई माइनस है है ना इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है या तो वाई माइनस है या तो जेड माइनस है लास्ट में प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो मेन फोकस मेरा इन दो टर्म्स के ऊपर है है ना या तो इसके अंदर एक्स माइनस होगा या वाई माइनस होगा यहाँ पर या वाई माइनस होगा या जेड माइनस होगा और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ दोनों के अंदर वाई वाई दोनों में है यानी कि वाई ही मेरा नेगेटिव है क्यों क्योंकि जब x z एक साथ थे वहां तो प्लस आ रहा था मतलब y y की वजह से ही यहां पर क्या है नेगेटिव साइन है तो यानी कि मेरे को यहां से मिल गया y जो है वो क्या है माइनस वाई है एक और चीज अगर ये स्टेटमेंट आपकी इस तरीके से होती ऐसे होती लास्ट में दो टर्म्स में माइनस होता तो हम देखते या तो यहाँ पर y की वजह तो से माइनस है या z की वजह से माइनस है यहाँ पर या तो x की वजह तो से माइनस है या z की वजह से माइनस है फिर हमने देखा दोनों के अंदर z कॉमन है अगर दोनों के अंदर, दोनों के अंदर z कॉमन है जहां एक्स वाई था वहां तो प्लस था तो यह यानी कि यहाँ से मेरे को पता चलता मेरा z आता माइनस जेड ठीक है तो हमने देखनी है कौन सी टर्म के अंदर माइनस कॉमन है ठीक है यहाँ तो y y था माइनस माइनस था तो इस वजह से y के आगे क्या लग गया माइनस तो अब हम क्या लिखेंगे एक्स की जगह पर टू एक्स वाई की जगह पर माइनस वाई एंड जेड की जगह पर जेड का होल स्क्वायर जिसको मैं टू टाइम्स लिख सकती हूँ टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड तो ये आ गए इसके फैक्टर्स तो ये था एग्जाम्पल ट्वेंटी फर्स्ट चलिए करते एग्जाम्पल ट्वेंटी सेकेंड तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी सेकेंड करने से पहले सिक्स आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी क्या कहती है एक्स प्लस वाई का अगर होल क्यूब होगा तो क्या होगा क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई ठीक है और सिमिलरली ऐसी आइडेंटिटी अगर सेवेंथ हो और इसके अंदर माइनस हो तो बस हमने क्या करना है हर जगह माइनस लगा दो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई ठीक है माइनस है तो हर जगह माइनस लगा दो प्लस है तो हर जगह प्लस लगा दो अब ये आया कहाँ से ये इस तरीके से आया क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना यहाँ थ्री था यहाँ वन और प्लस टू थ्री हो गया तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं एक्स को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के होल्सक्र से मल्टीप्लाई अब क्या होगा एक्स बाहर एक्स प्लस वाई का होल्सक्यर हमें पता है क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पर भी वाई एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सिमिलरली जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो इतना लंबा कौन सॉल्व करे मैथमेटिशियन ने सोचा सीधा सीधा हम फॉर्मूला बना के बच्चों को दे देते हैं बच्चे कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी सेकेंड क्या कहते हैं राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म हमने इसको अब एक्सपेंड करना है तो ये आपको दिख रहा है थ्री ए प्लस फोर बी का होल क्यूब हमने अभी अभी आइडेंटिटी करी है क्यूब वाली दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस है यहाँ से मेरे पास एक्स कितना आ गया थ्री ए और वाई कितना आ गया फोर बी तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की ये आइडेंटिटी हम ओपन कर देते हैं क्या कहती है एक्स क्यूब यानी कि थ्री ए का होल क्यूब वाई क्यूब यानी कि फोर बी का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स यानी कि थ्री ए वाई यानी कि फोर बी इन टू एक्स प्लस वाई यानी कि थ्री ए प्लस फोर बी है ना बस इसको ओपन ओपन कर देते हैं थ्री का क्यूब थ्री 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 जर नाइन नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन ए क्यूब फोर का क्यूब फोर फोर सा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर सा सिक्सटी फोर बी क्यूब प्लस थ्री थ्री जर नाइन नाइन फोर सा थर्टी सिक्स साथ में क्या है ए बी और इधर क्या है थ्री ए प्लस फोर बी अब कई बच्चे इसको क्या कर देते हैं इसको सेवन ए बी लिख देते हैं भाई हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते अगर ए ए है तो प्लस होगा बी बी है तो प्लस होगा ए और बी कभी इस तरीके से प्लस नहीं होते तो हम ऐसे को कैसे सॉल्व करते हैं हम ऐसे को इस तरीके से सॉल्व करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म एज इट इज अब थर्टी सिक्स ए बी को हम थ्री ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास थर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई किया हमने थ्री से तो आ गया वन जीरो एट ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी फिर प्लस 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 फिर थर्टी सिक्स को हमने जब फोर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया वन फोर्टी फोर फिर ए बी को बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर तो ये आपका आंसर है ये आंसर है आपका ठीक है हम इसको कभी भी प्लस नहीं करते हैं ए बी ऐसे इस तरीके से कभी प्लस नहीं होते मल्टीप्लाई जरूर हो जाते हैं मल्टीप्लाई में आपने देखा ही होगा ए बी को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी हो गया ए बी को जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी का स्क्वायर हो गया है ना तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट सिमिलरली सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट देखिए क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यस माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स क्या है यहाँ पर एक्स है हाँ आपके पास फाइव पी और वाई क्या है आपके पास थ्री क्यूब बस हमने ये आइडेंटिटी अब ओपन कर देते हैं क्या है ये आइडेंटिटी एक्स क्यूब यानी कि फाइव पी का क्यूब वाई क्यूब यानी कि थ्री सॉरी बीच में माइनस है तो थ्री क्यू का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई तो फाइव पी माइनस थ्री क्यू बस इसको वैसे ही ओपन कर देना हमने फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सा वन ट्वेंटी फाइव थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब फिर माइनस थ्री फाइव सा फिफ्टीन एंड फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव साथ में पी क्यू और यहाँ क्या आ जाएगा फाइव पी माइनस थ्री क्यू तो अगेन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि p p होता तो हो जाता है माइनस क्यू क्यू होता तो माइनस होता बट यहाँ पर p और q है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी कैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म भी एज इट इज तो माइनस फोर्टी फाइव पी क्यू को फाइव पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फाइव को जब हम फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है टू ट्वेंटी फाइव और वो भी किसका लगेगा माइनस का तो माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास टू ट्वेंटी पी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सिमिलरली माइनस माइनस प्लस फोर्टी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन थर्टी फाइव और पी क्यू को क्यू से करेंगे तो कितना आ जाएगा पी क्यू स्कोर तो ये आ गया आपका आंसर चलिए करते हैं एक्जाम्पल ट्वेंटी थर्ड तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी थर्ड क्या कहता है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़ हमने इन दोनों को एवेलुएट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़ तो देखिए वन ज़ीरो फ़ोर का अगर क्यूब करना हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ यू से कैसे कि वन ज़ीरो फ़ोर मल्टीप्लाई वन जीरो फ़ोर मल्टीप्लाई वन जीरो फोर कितना बड़ा जनबर जाएगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओगे दस मिनट कहीं नहीं गए आपके है ना तो क्या करेंगे हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी है ना और हमने अभी अभी पढ़ा है क्यूब वाली कौन सी डेंटिटीज होती हैं एक तो x प्लस वाई का होल क्यूब और एक x एक एक माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है चलिए रिवाइज करिए मेरे साथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस है तो हर साइन में क्या लगा देंगे हम माइनस लगा देंगे राइट right? तो बस अब हमने क्या करना है इन्हीं दोनों को यूज करना और देखना ये कैसे कर सकते हैं हम इसको तो 104 को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस फोर का होल क्यूब अब आप कहोगे कि मैम हम इसको 110 हंड्रेड टेन माइनस सिक्स पे तो लिख सकते थे है ना हमने 100 ही क्यों लिया तो हमने इसलिए 100 लिया कि 100 का क्यूब करना हमारे लिए कितना ईजी रहेगा है ना क्या होगा हंड्रेड का क्यूब वन के साथ सिक्स जीरो और लगा देंगे तो इसीलिए हम मोस्ट रोबली क्या लेते हैं हंड्रेड 100 या थाउजेंड या टेन थाउजेंड इस तरीके की टर्म्स लेते हैं तो ये बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब जहाँ x आ गया आपके पास हंड्रेड और y आ गया आपके पास फोर तो बस इसको हमने ओपन कर देना आप कैसे करेंगे एक्स क्यूब यानी कि हंड्रेड का क्यूब y क्यूब यानी कि फोर का क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई

वन टू फोर एट और साथ में दो जीरो और सबको प्लस करेंगे सबको प्लस करना भी बहुत इजी है देखिए लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर आ गया फिर अगली टर्म्स एट फोर टू वन कितनी टर्म्स हो गई सिक्स टर्म्स हो गई सिक्स तक तो जीरो ही थी ये हो गया वन अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो गुड नहीं तो आप इसको प्रॉपर तीनों टर्म्स को ऐसे लिखकर आप उसको भी प्लस कर सकते हैं ठीक है चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट अब सेकेंड पार्ट में क्या है नाइन नाइन तो क्या कर सकते हैं इसके लिए थाउजेंड में से मैं वन माइनस कर दूं मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि या तो हंड्रेड लेते हैं थाउजेंड या टेन थाउजेंड इस तरीके के टर्म्स लेते हैं तो थाउजेंड में से अगर मैं वन माइनस कर दूँ तो भी तो वही होगा ना नाइन ये नाइन ये इसका क्यूब कौन सी आइडेंटिटी यस माइनस वाली आइडेंटिटी जहाँ पर एक्स कितना है थाउजेंट और वाई कितना है वन दोनों ही बहुत ईजी टर्म्स हैं बस इसको ओपन करते हैं अब थाउजेंट माइनस वन का होल क्यूब तो एक्स का क्यूब वाई का क्यूब सॉरी माइनस है ना तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे याद रखना जैसे हम यहां गलती हो रही है ऐसे गलती नहीं करनी है वन थाउजेंड का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इन टू एक्स माइनस वाई यानी कि वन थाउजेंड माइनस वन ठीक है तो वन थाउजेंड का क्यूब कितना होगा एक बार तो लिखा ही ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया क्यूब यानी कि थ्री जीरोस थ्री टाइम्स यानी कि टोटल नाइन जीरोस लग जाएंगे माइनस वन माइनस ये क्या है थ्री थाउजेंड इन टू ये क्या होगा नाइन नाइन राइट अब क्या करेंगे इसको वन टू थ्री ये हमने लिख ली नाइन जीरोस माइनस वन जब हम इसको थ्री 3000 थ्री थाउजेंड को नाइन नाइन्टी नाइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस टू नाइन नाइन सेवन जीरो 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 जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सी बात है आप माइनस तो कर ही सकते हैं तो बस इसको माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा तो देखिए कितना टाइम लगा है ना आप अगर इसको सॉल्व करेंगे टू टू थ्री मिनट्स लगेंगे अगर वैसे आप इसको थ्री का नाइन नाइनटी नाइन का क्यूब करने बैठे तो दस मिनट तो कहीं नहीं गए राइट तो चलिए करते एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर्थ तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर्थ क्या कहता है वो कहता है हमने इसको फैक्ट्राइज करना है ये 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 और ये ये फैक्ट्राइज करना है ठीक है तो फैक्ट्राइज करने के लिए तो हम क्या करेंगे ये एक्स क्यूब है और दो दो बार एक्स क्यूब है तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है और क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है है ना क्यूब वाली कौन सी आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हुई हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और यहाँ पर सब में प्लस है तो हमें पता चल रहा है कि हमने प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है राइट तो देखिए क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये होता है है ना तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ हमें पता है लास्ट के जो टू टर्म्स है ना वो इसको सॉल्व करके आई होंगी लेकिन हमें फ़र्स्ट टू टर्म्स अगर मिल जाएँ तो मेरे को फैक्टराइज करने में कितना इजी हो जाएगा बस एक्स वाई की वैल्यू मैं निकाल लो तो मैं वहाँ से फैक्टराइज कर सकती हूँ तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या बनेगी ये एक्स क्यूब इसकी इक्वल है तो एट एट कैसे लिखा जा सकता two multiply, two multiply, two, two four, four है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू 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 जा फोर फोर टू जो एट यानी कि एट किसका क्यूब है 2 का क्यूब है सिमिलरली 27 कैसे लिखा जा सकता है 3 3 3 तभी 27 लिखा जा सकता है तो यानी कि x मुझे मिल गया 2x और y मुझे मिल गया 3y बस अब हमने क्या करना है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं क्या आ जाएगा 2x plus 3y का होल क्यूब आप इसको रफ में ओपन करके देखेंगे ना तो सेम यही चीज बनेगी तो मेन क्या देखते हैं हम एक्स वाई की वैल्यू देखते हैं जब भी हमने फैक्ट्राइज करना है उसके अंदर पुट करो और सॉल्व कर दो ये तीन बार है तो क्या लिख देंगे हम इसको टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई बस खत्म तो ये आपका आंसर आ गया मैं आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है एक्स क्यूब वाई क्यूब थ्री एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई ये मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करके दिखा रही हूँ आपने सॉल्व नहीं करके दिखाना पेपर में पेपर में सिर्फ आपको फैक्टराइज करके वहीं रुक जाना है। तो इसको देखिए एट एक्स क्यूब नाइन वाई क्यूब थ्री टू जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन एक्स वाई साथ में टू एक्स प्लस थ्री वाई फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म एज इट इज एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे हम टू से क्या एटीन टू जो थर्टी सिक्स एक्स स्क्टीन थ्री जो फिफ्टी फोर एक्स वाई स्क्वायर देखिए वही आ रहा है सेम चीज तो बस हमने क्या निकालना होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो उसको पुट करो और आपके क्या आगे फैक्टर्स आ गए तो चलिए करते हैं अब एग्जाम्पल ट्वेंटी फिफ्थ तो एग्जाम्पल ट्वेंटी फिफ्थ पढ़ने से पहले आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहूंगी मैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक बार लिख दिया फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस सेट एक्स अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बढ़िया है भाई सिंपल सी बात है देखने में कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो एक्स क्यूब वाई क्यूब क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई को हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं एक बार तीनों को प्लस कर दो फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर क्या करेंगे माइनस है तो माइनस फर्स्ट टू टर्म्स एक्स वाई फिर माइनस लास्ट टू टर्म्स फिर माइनस फर्स्ट और लास्ट टर्म बिल्कुल वैसे ही ठीक है और इसको हम कैसे अगर हम इसको सॉल्व करना हो पता करना हो कि आया कैसे है तो वही एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई वाई को पूरे से मल्टीप्लाई z को पूरे से मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करेंगे और आपके पास यही चीज आ जाएगी ठीक है तो अब एग्जाम्पल ट्वेंटी फिफ्थ क्या कहता है वो कहता है इसको हमें फैक्ट्राइज करना है मतलब कि इसको हमने क्या करना है इसको हमने इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखना है राइट तो ये क्या हो गया आपके पास आपको दिख रहा है क्या सेम सेम चीजें दिख रही हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड राइट तो बस हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं राइट यहाँ पर ये यह है जेड है सॉरी गलती से लिखा गया तो हम हाँ क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इस तरीके से लिख देंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले देखो एक्स को क्यूब को एक्स एट एक्स क्यूब से कंपेयर करो एट अभी अभी मैंने आपको बताया ट्वेंटी फोर्थ एग्जाम्पल में एट कैसे बनता है टू का क्यूब होता है यानी कि एक्स कितना आ गया आपके पास टू एक्स वाई क्यूब वाई क्यूब तो यानी कि हमें वाई तो वाई ही मिल रहा है, है ना अब ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन का हमें अभी अभी पता है क्या होता है थ्री का क्यूब होता है तो Z कितना आ गया थ्री right? X मिल गया Y मिल गया Z मिल गया बस अपने इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है तो हम इसको लिखेंगे x यानी कि आगे एक्सक्वासर यानी कि टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड मतलब थ्री जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी कि टू एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड वाई इंटू थ्री जेड माइनस जेड एक्स यानी कि थ्री जेड इंटू टू एक्स ठीक है तो क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन जेड का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई माइनस थ्री फाइव जेड माइनस थ्री टू जिक्स एक्स जेड तो ये आ गया आपके पास आंसर तो ये थे आप लोगों के एग्जाम्पल्स थैंक यू दैट ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव थैंक यू